दोस्तों, सदियों से एक बात ऐसी है जिसको लेकर हर आदमी जिज्ञासु बना घूमता आ रहा है, और वो बात ये है कि क्या हमारी पृथ्वी पर कोई अंडरवर्ल्ड का गेट है जिससे हम दूसरी दुनिया में या नर्क तक पहुंच सकते हो। वैसे तो इन रहस्यमय गेट्स के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन खोजकर्ताओं ने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे प्राचीन और रहस्यमय गेट्स को जरूर खोजा है जिनके बारे में लोगों का मानना है कि ये गेट्स एक समय पर अंडरवर्ल्ड में जाने का रास्ता हुआ करते थे। तो चलिए जानते हैं पिछले समय खोजे गए कुछ ऐसे ही रहस्यमय डोरवेज के बारे में। आइए शुरू करते हैं हमारी इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द अल्केमिकल डोर ऑफ रिवर ड्यूट्री। दोस्तों, रिवर ड्यूट्री एक इटालियन विलेज है जो 1948 में आए भयानक भूकंप के कारण तबाह हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वहाँ एक चीज बची है और वो है अल्केमिकल डोर, जो थोड़े विचित्र है क्योंकि ये वही गेट है जो एक समय पर कैमिकियोटी प्लाजा में मौजूद थे। इस गेट को 17 सेंचुरी में बनाया गया था, जिसके एक और काफी अजीब और स्ट्रेंज कार्विंग्स मौजूद हैं। इन कार्विंग्स के बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ग्रेट ट्रांसम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही इस डोर के ऊपर पैगन सिंबल्स, क्रिश्चियन सिंबल्स और कैबलिस्टिक सिंबल्स के साथ साथ अल्केमिकल सिंबल्स भी मौजूद हैं, और उनमें से कुछ सिंबल्स तो ऐसे भी हैं जिन्हें आज तक साइंटिस्ट डीकोड भी नहीं कर सके हैं, जिस कारण से अल्केमिकल डोर आज भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 9, द फेरी डोर। बेन बल्बेन आयरलैंड की सबसे फैंटास्टिक जगहों में से एक है, और वहां पर एक रॉक फॉर्मेशन मौजूद है जो बहुत ही विशाल है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विशाल पत्थर का निर्माण आइस एज के दौरान किसी ग्लेशियर के पिघलने से हुआ होगा। ये रॉक फॉर्मेशन लाइमस्टोन और मडस्टोन से बनी हुई है, जो पास से देखने में ऐसी नजर आती है जैसे कि लाइमस्टोन और मडस्टोन की एक वेव जमीन पर आकर गिरने वाली हो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर गेट कहाँ है। वेल, आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि वहाँ कई सदियों पहले आयरिश पीपल रहते थे और वो परियों से कॉन्टेक्ट किया करते थे। आप चाहे इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि लोगों का ही मानना है कि इस विशाल रॉक फॉर्मेशन में नॉर्थ की ओर एक अलग तरह का काला निशान है जो एक फेरी डोर है, जिससे परियां हमारी पृथ्वी पर आती जाती रहती हैं। और अगर कोई परियों को देखना चाहता है तो बेन बल्बेन ही एक इकलौती ऐसी जगह है जहां से इन्हें देख पाना संभव है। नंबर 8, द रोमन पोर्टल ऑफ हेल। दोस्तों, टर्की में एक ऐसी केव मौजूद है जो एंशियंट टाइम में हायरोपोलिस नाम की सिटी में थी। उस केव को आज नरक का गेट माना जाता है क्योंकि इसने बहुत से लोगों को मौत की नींद सुलाया है। दरअसल ये गुफा कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके आसपास आने वाले हर जानवर या इंसान को ये गुफा मौत की नींद सुला देती है। इतना ही नहीं, इस गुफा की एक हैरानी भरी बात यह भी है कि ये गुफा इसकी देखभाल करने वाले मानव पुजारियों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, जिसके बाद इसके ऊपर कई रिसर्चर्स ने कई सालों तक रिसर्च की, तब जाकर इसका पता लगा कि इस केव में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, या कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक बादल मौजूद है जो इसके अंदर या आसपास सांस लेने वाले हर एक इंसान का दम घुट देता था, और यही लोगों की मौत का मेन रीजन होता था। लेकिन अगर मिस्ट्री की बात करें तो मिस्ट्री ये भी है कि ये गुफा आखिर उन पुजारियों को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाती थी। और अब तक इस पर बहुत सी यूनिवर्सिटी रिसर्च कर चुकी है, लेकिन कोई अंदाजा नहीं लगा पाया है कि आखिर ऐसा क्यों। नंबर 7, डोरवे इन किंग टट्स टूम्ब। किंग टट्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि किंग टट्स की कब्र में एक वियर्ड सा दिखने वाला डोर है जो आज तक बंद है। इसके बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद उस दरवाजे के पीछे क्वीन नेफर्टिटी की मम्मी हो सकती है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट किंग टट्स की कब्र के वेस्टर्न और नॉर्दर्न वॉल्स के पीछे कई सारे बरियल चेम्बर्स खोज चुके हैं। हालांकि इजिप्टोलॉजिस्ट ने कार्बन डेटिंग से पता लगाया है कि ये डोर 1323 बीसी में यानी कि तूतनखामून की मौत के साथ ही बंद कर दिया गया था, और उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर कर इसे पेंट कर दिया गया। लेकिन आखिर उस गेट के पीछे क्या है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। नंबर 6, द स्किन डोर। दोस्तों, ये डोर ब्रिटेन का सबसे पुराना डोर है जो कि 950 सालों से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसके बारे में लोगों का मानना है कि इसे एक बार इंसानों के मांस से ढका गया था। मगर हैरानी तो तब हुई जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस गेट के कुछ हिस्सों की रिसर्च की, तो उन्हें उस गेट से सच में ह्यूमन स्किन के एविडेंस मिले हैं।
आपको बता दें कि इसके बारे में एक थ्योरी ये है कि इस गेट को एक पेड़ की लकड़ी से बनाया गया था जो तकरीबन 6.5 फीट बड़ा है और इसे लोगों को सजा देने के लिए बनाया गया था, वो भी कोई छोटी मोटी सजा नहीं बल्कि मौत की सजा, और आदमी को मारने के बाद शरीर से उनकी खाल निकाल कर इस गेट पर लगा दी जाती थी। दोस्तों यही वो कारण है कि आज इस जोर से ह्यूमन स्किन के एविडेंस मिलते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। नंबर 5, अरामू मुरु भी एक प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसके बारे में लोगों का मानना है कि वहां दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक डोर मौजूद है। दरअसल ये जगह लेक टिटिकाका के पास है जो बोलिविया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, जिसे 1990 के दशक में एक माउंटेनियर के द्वारा खोजा गया था। दोस्तों उस माउंटेनियर ने इसके प्राचीन होने का अंदाजा इस बात से भी लगा लिया था क्योंकि यह दीवार देखने से ही काफी प्राचीन फ्लैट नजर आ रही थी, पर हैरान करने वाली बात यह थी कि इसके बीचों बीच एक अजीब गेट मौजूद था। एक तरफ जहां ये फ्लैट स्टोन वॉल 23 फीट यानी कि 7 मीटर के आसपास ऊंची थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो डोरवे केवल 6.5 फीट का ही था, जिसको बनाने का मकसद आज तक किसी के समझ में नहीं आया। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक आधा बना हुआ या कहें इनकम्प्लीट एंशियंट स्ट्रक्चर है जिसे वहां के लोगों के द्वारा आज भगवान का गेट बताया जाता है। नंबर 4, द लायन गेट। दोस्तों लायन गेट भी बाकी सभी डोरवेज की तरह ही ग्रीस में मौजूद एक डोरवे है जो कि करीब 10 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा है, जिसके बाहर ऊपरी हिस्से में दो बड़े लायंस को गार्ड की तरह कार्व किया गया है। आपको बता दें कि इस गेट में सदियों पहले एक विशाल लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था जिसे 13th century BC में बनाया गया था। साथ ही ये आज पूरी दुनिया में इकलौता एगियन आर्किटेक्चर है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक समय पर माइसिनियन पीपल का भी घर रह चुका है। ये पूरी सिटी करीब 3000 साल पुरानी है और ये लायन गेट उस सिटी में इकलौता एंट्रेंस था। शायद ही आपको मालूम हो कि इस गेट पर हजारों की मात्रा में सैनिक पहरा दिया करते थे क्योंकि इस सिटी की पॉपुलेशन करीब 30,000 के आसपास थी, पर 12वीं शताब्दी में आए भूकंप से पूरी सिटी तबाह हो गई, लेकिन ये गेट आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। नंबर 3, द टूम्ब इन द माउंटेन। दोस्तों टर्की के कोरम नाम के गांव के पास एक बड़ी माउंटेन वैली है और उसी माउंटेन वैली में एक ऐसा डोरवे है जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि किसी को इस साइट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। हालांकि इसके बारे में एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना जरूर है कि इसे 2nd century BC में बनाया गया था। खैर वहां के लोकल लोगों का मानना है कि इस डोरवे में एक टूम्ब है जो कैपिलाकाया की है। दरअसल ये डोरवे कोई साधारण डोरवे नहीं है बल्कि इसका मुंह पूरी तरह से बंद है, लेकिन साइड में थोड़ी सी जगह है जहां से कोई भी इंसान आसानी से आ जा सकता है। वैसे आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब आर्कियोलॉजिस्ट इसके अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां से एक इंस्क्रिप्शन के अलावा कुछ नहीं मिला, और उस इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट कर पाना लगभग असंभव है क्योंकि ये किसी स्ट्रेंज लैंग्वेज में लिखा गया था। नंबर 2, इजिप्शियन डोर्स टू द आफ्टर लाइफ। दोस्तों अगर इजिप्ट की ओर देखें तो आपको हर कब्र के ऊपर कुछ अजीब से गेट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें कब्र पर या तो कार्व किया गया होगा या फिर पेंट किया गया होगा। ये डोर्स एक्चुअल में तो ओपन नहीं होते, लेकिन इजिप्शियन पीपल का मानना था कि ये डोर मरने के बाद आपकी आत्मा को सही जगह पहुंचाते थे, और यही वो डोर्स हैं जिनसे आत्मा हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया में आ जा सकती है। इन डोर्स को बनाने में केवल एक ही लकड़ी या पत्थर के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता था, और इनको लेकर लोकल पीपल का तो ये तक कहना है कि ये वही गेट्स हैं जिनके जरिए मरे हुए व्यक्ति को खाना पहुंचाया जाता है, जो वाकई में अजीब बात है। नंबर 1, पोर्टल टू द डेथ। वाइकिंग एरा के बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि इनसे जुड़ी हर चीज इंटरेस्टिंग होती है, पर जितने ज्यादा इंटरेस्टिंग इनके हाउस थे उतना इंटरेस्टिंग शायद कुछ और नहीं था। दरअसल वाइकिंग पीपल किसी व्यक्ति को मरने के बाद किसी कब्रिस्तान या कहीं और नहीं दफनाते थे, बल्कि वो अपने लोगों को अपने घरों के नीचे दफनाते थे और उनकी हड्डियों को अपने दरवाजे पर लगा देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उन हड्डियों को दरवाजे पर लगाने से वो दरवाजे किसी और दुनिया में खुलते थे जो उन्हें उस मरे हुए इंसान से मिलाते थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, पर इस तरह के काम भी प्राचीन लोग किया करते थे या नहीं इस बारे में तो फिलहाल कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ जाते जाते इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।